डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं और आज मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ करने वे पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश भवन में 4 दिन तक ये उत्सव चलेगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्सव में शामिल होने के लिए सभी को आमंत्रित किया है। बताते चलें कि सुबह 11:30 बजे के आसपास ये शुभारंभ होगा इस कार्यक्रम का और 4 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को आमंत्रित किया है। संस्कृति, पर्यटन, विरासत और प्रयोग में लाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं की दृष्टि से हम उनकी प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं और उसकी हमारे अपने राज्य के अंदर की चलने वाली प्रगति से अवगत कराने का प्रयास भी करेंगे। अपनी ओर से आप सबको आमंत्रण है, आइए मध्य प्रदेश के साथ जुड़िए, व्यवसाय भी करिए, प्रगति में साथी भी बनिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए, मध्य प्रदेश वालों के जीवन में भी बदलाव में मदद करें और बढ़ते मध्य प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करें। और खबर ग्वालियर से, जहां पर एक 16 साल की छात्रा के साथ पड़ोसी ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की और पड़ोस में रहने वाले राहुल बाथम पर यह आरोप है। विश्वविद्यालय थाना इलाके की सरकारी मल्टी की यह घटना है। पीड़िता ने विश्वविद्यालय थाने में इसकी FIR दर्ज कराई है। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में फिलहाल जुट गई है। और कटनी से बड़ी खबर, GRP थाने में पिटाई का मामला जिसमें एक्शन लिया गया, GRP जवानों पर FIR दर्ज की गई और 5 जवानों को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। FIR की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे जीतू पटवारी और सभी GRP के जवान सस्पेंड हो चुके हैं जिसमें 5 जवानों पर आरोप लगा था। कितनी यातना, कितना प्रशासनिक घटधर्मी का और कितनी ताराशाही। मोहन सरकार की, BJP की सरकार की दलितों के खिलाफ है उसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। जब हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अम्बेडकर के विरोधी विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी विचारधारा है, उसको आज प्रमाणित किया मोहन भैया की सरकार ने, उनके प्रशासन ने, उनके मंत्रालय ने। अल्टीमेटली झुकना पड़ा या न्याय देना पड़ा। मैं सभी कार्यकर्ता जो यहां उपस्थित हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और राजगढ़ में 2 अधिकारी आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि SDM और नपा CMO के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई जिसका एक वीडियो सामने आया। CMO ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था, SDM पर 25 लाख रुपए मांगने का आरोप है। सारंगपुर नपा CMO लाल सिंह डोडिया SDM संजय उपाध्याय पर गंभीर आरोप लगे हैं। SDM के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया। नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचा नपा कर्मचारी और CMO SDM ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राजगढ़ में आपस में भिड़ गए SDM और नगर पालिका CMO। CMO साहब कुछ विवाद की स्थिति बनी थी नगर पालिका में, उसको लेकर आए थे अपने थाने पर। उन्होंने एक आवेदन दिया और उस आवेदन पर जो तथ्य उन्होंने लिखे है उसकी जांच करके उसमें अग्रिम की जाए। किसका विवाद है सर ये? अब वो अवलोकन करेंगे, उसमें कुछ कर्मचारियों के द्वारा वहाँ पे कुछ बदतमीजी की गई और इसके साथ। और अभी इस बड़ी खबर फटाफट अंदाज में।